हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, हाय एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो के उठी हूँ मुँह फुला फुला लेकर। अच्छा, वेलकम तो किए नहीं आप लोगों को, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल युवा बुचिंग वर्सेस ब्लॉक एंड रेसिपीज एंड हियर आई एम आशा। ये तो कल सोने से पहले मैंने पीठा बनाई थी, तो पीठा मैंने रख दिया था और फिर दिखाई नहीं ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग पीठा बनाने से पहले मैंने एडिट वेडिट करके एंड कर दिया था, मतलब एंड करके एडिट वेडिट कर लिया था। तो पीठा बना के रखी थी हॉट पॉट, क्या बोलते हैं उसको, हॉट केस ऐसे बोलते हैं ना, वो जो वाला है डिब्बा, तो वहाँ पे रखी थी। तो वही बन गया मेरा आज सुबह का ब्रेकफास्ट, और साथ में ये हर्बल टी पीऊँगी। कौन सा वाला टी पीऊँगी ये डिसाइड करने में मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे फ्लेवर के कुछ खाने पीने की चीज़ मिल जाए ना, तो डिसाइड करने में मुश्किल होता है। सिर्फ खाने पीने के मामले में नहीं, हर एक चीज़ मतलब अलग अलग ऑप्शंस मिले तो वही चूज़ करने में मुश्किल होता है। फाइनली मैंने चूज़ कर लिया कि मैं कौन सा हर्बल टी पीऊँगी। इम्यूनिटी डाउन है तो तुलसी इम्यूनिटी पीऊँगी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हाँ, सुबह विंडो सारे और दरवाजे सारे डोर सारे खोल दो ना, तो मॉस्किटो कहाँ कहाँ से चले आते हैं पता नहीं। इस वजह से अभी मैंने सम्राणी जला दिया है नारियल के छिलके के साथ, ताकि इस धुएं से थोड़ा बहुत मच्छर भागे, क्योंकि बाकी मॉस्किटो भगाने वाला कुछ जलाओ तो मेरे ही नाक में प्रॉब्लम हो जाता है। ही थोड़ा मेरे को रिलैक्स होने हैं, तो गर्म पानी में थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाकर बेकिंग सोडा और नमक और लेमन वाटर मिलाकर मैंने इसमें पैर भिगो के रखे हैं। और थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी बाहर। देखिए मैं निकल भी गई हूँ बाहर, तैयार वैयार होके कुछ घूमने का मन कर रहा था बाहर, शहर का हवा। इतने दिन तक गांव का हवा खाते रहे, बस शहर का हवा खाने है। रिक्शा वाले भैया के साथ मेकअप पे शप्पे लड़ा लड़ा कर सवारी का लुफ्त मज़ा उठा रही हूँ। चुपचाप वैसे सवारी अच्छा नहीं लगता, इसलिए रिक्शा वाले भैया को मैं बातों में घुमा रही हूँ कि ये यो वो। तो रिक्शा वाले भैया पूछ रहे थे जाना कहाँ है, मैंने कहा आप जाते रहिए आगे तक, कोई सा भी रेस्टोरेंट दिख जाए तो मैं बता दूंगी। फिर फाइनली मेरा डेस्टिनेशन पे मैं वहाँ पहुँच गई। अभी मैं पीऊँगी वेजिटेबल सूप गर्मा गर्म, ये तो वो पीना तो हो जाएगा, लेकिन कैमरा सेट नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ घंटों बाद नहीं, कुछ सेकंड बाद ही ऑफ होता जा रहा है, मतलब आज मैं ब्लॉग अच्छे से नहीं कर पाऊँगी लग रहा है मुझे। और फिर सूप वगैरह पी के मैं अभी थोड़ा जिस साइड में गारमेंट्स वगैरह बेचते हैं उस साइड में चले आई हूँ, एकदम सिटी के मिडल वाले एरिया में, जिसको लोग बोलते हैं टाउन, नहीं टाउन ही बोलते हैं, हाँ टाउन जा कर आते हो ऐसे बोलते हैं कई लोग, हर लोग नहीं बोलते। तो इस साइड में मैं आ गई हूँ और इधर उधर मुंडी घुमा घुमा के बस घूम ही रहे, बस शॉपिंग कुछ भी नहीं करने, बस घूमने थे। A few moments later. जितना भी पढ़ लो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, पर जब तक भेंट सूत्र गले में नहीं लगता ना, तब तक लाइफ कंप्लीट नहीं है। जितना भी पढ़ लो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, पर जब तक भेंट गले में नहीं लगता ना। सो बाहर घूमी करके आई हूँ, अभी बारी है डिनर बनाने की, तो एक एक करके मैंने सारे डिनर बना लिए। और फिर क्या क्या बनाए, बहुत सारे बनाए, मोस्टिंग बनाए, अंदरू बनाए, फिर समसाता के साथ कैटफिश बती बनाए, और फिर राइस बनाए, रोटी बनाई, फिर फिडल हेड यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग, मिखन चौक भजा बनाए यानी कि फ्राई, वो वगैरह 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 वगैरह। फिर राइस मतलब बनाने नहीं पड़े, दोपहर का बचा हुआ था वही गर्म करके रख दूंगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, कल से मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।